सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जावेस वाली सीरीज़ को। ऑल्सो अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके देख सकते नहीं, आपको देखना ही पड़ेगा। दैट्स वाई आपको तभी ये समझ में आएगा कि यहाँ पे चल गया। ऑल्सो पार्ट वन में हमने बनाया था इसका GUI एंड पार्ट टू में कुछ किए थे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट एंड इंजन को डिफाइन करके हमने बनाए दो फंक्शंस। सो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, मैं आगे भी और भी वीडियो लेके आऊँ। तो अभी के लिए हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमने जो काम किया था मैंने बोला था आपसे किंटर वाले पार्ट को नहीं छेड़ना है, तो अभी भी हम थोड़ा सा इसको दूर रखते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाए भाई, बस बस। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक नया फंक्शन। अब हमने इंजन को हमारे डिफाइन कर लिया है एंड ऑल्सो वो स्पीक करने के लिए, इसके लिए हमने एक स्पीक नाम का फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो कि लिसन करेगा, मतलब उसके अंदर की चीज़ें जो है लिसन करेगी। दैट्स वाई मैं इसका नाम रखूँगा टेक कमांड। तो अब हम जार्विस को जब कमांड देंगे तो माइक्रोफोन से इनपुट लेके लिसन भी तो करेगा एंड उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि वो है क्या एक्चुअली में, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो। दैट्स वाई तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं आर एंड एस आर से मैं कॉल करूँगा एक रिकॉग्नाइजर को। सो रिकॉग्नाइजर यहाँ पे इसको एज अ फंक्शन एंड इसको हमने आर में डाल दिया। इसको मैंने एस आर से क्यों कॉल किया, अगर आप कन्फ्यूज हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आठवीं लाइन यानी कि इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज एस आर। तो ये इसको मैं एज एब्रिवेशन एस आर लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे ये एस आया है। तो ये छोटी सी बात है बट कभी कभी छोटी सी चीज़ें कन्फ्यूज कर देती है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जब इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा तो मैं चाहता हूँ एक विथ कीवर्ड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, विथ पाइथन में कीवर्ड होता है एंड एस आर से अगेन मैं माइक्रोफोन को यहाँ पे कॉल करूँगा एंड माइक्रोफोन को मैं एज अ सोर्स लूँगा। ऑब्वियसली जब भी हम कोई इनपुट देंगे साउंड का तो वो माइक्रोफोन की मदद से ही होगा, तो विथ माइक्रोफोन एज सोर्स, तो ये हमारा सोर्स होगा जब भी हम कोई इनपुट देंगे ऑडियो में, तो ये इसको माइक्रोफोन से ही लेगा। क्या बेतुकी बातें कर रहा हूँ मैं, तो ऑल थ्रू माइक से इनपुट आएगा ऑब्वियसली। तो इसके अंदर मैं आऊँगा एंड यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ एवरी टाइम, मतलब कि ये जब कोई इनपुट लेगा, मतलब इसको रन करेंगे तो एक मैसेज प्रिंट होगा ना लिसनिंग टाइप का, कि सुन रहा हूँ मैं आप बोलो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दैट्स वाई एक मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने लिसनिंग एंड एक वेरिएबल ऑडियो नाम का बना रहा हूँ। आर से मैं बोलूँगा कि अब जो हमने बोला है उसको लिसन करो एंड वो किस में है, वो सोर्स में है। दैट्स वाई इसके अंदर हम सोर्स को पास कर देंगे। ओके तो ये पार्ट हो गया हमारा माइक्रोफोन से इनपुट लेने वाला, दैट्स वाई। सो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं गूगल असिस्टेंट या सीरी से तो वो रिप्लाई करता है सॉरी आई कुडंट हेयर दैट, दैट्स वाई हमें यहाँ पे एरर हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पाइथन में होती है। तो मैं ट्राई नाम का कीवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, मतलब जब भी जार्विस सुनेगा तो वो पहले ट्राई करेगा उसको रिकॉग्नाइज करने को। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है जस्ट लाइक दिस एंड जो क्वेरी होगी हमारी, मतलब हमने जो भी बोला वो हमारी होगी क्वेरी एंड जो आर है, मतलब कि हमने ऊपर स्पीच रिकॉग्नाइजर को उसमें डाला है तो अब हम आर से ही कॉल करेंगे सबको। इससे हम बोलेंगे कि जो हमने बोला है उसको रिकॉग्नाइज करो एंड गूगल की मदद से करेगा वो। तो इसके अंदर हमें पास करना होगा दो पैरामीटर्स जो कि होंगे, एक होगा ऑडियो एंड एक होगी हमारी लैंग्वेज। सो हमारा प्रोनंसिएशन इंग्लिश इंडिया का होता है मोस्टली, ज़्यादातर लोगों का। ऑल्थो अगर आप साउथ दिल्ली या फिर साउथ बॉम्बे से हैं तो फिर आप इंग्लिश US लिख सकते हैं, इसमें आपका प्रोनंसिएशन वैसा होगा। तो सो इंग्लिश इंडिया यहाँ पे हमने लिख लिया एंड एक मैसेज और मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, वो होगा एफ स्ट्रिंग की मदद से। एफ स्ट्रिंग पाइथन में होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ। ऑल्थो मैं इसके लिए एक पूरी सीरीज लाने वाला हूँ पाइथन की, जो कि होगी एक एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ना चैनल सब्सक्राइब कर दो। सो यहाँ पे इसमें एक मैसेज आएगा एंड क्वेरी
मतलब क्वेरी वो है ना जो हम बोल रहे हैं एंड वो रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे मैंने बोला हे जाविस टेल मी अबाउट वेदर फॉर टुडे, तो वेदर फॉर टुडे जो हमारा आएगा टेल मी अबाउट वो क्वेरी में चला गया। दैट्स वाई कि हमने क्या बोला, तो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया यूजर सेट एंड जो हमने बोला वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देता हूँ, दैट्स तो ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो ये तो बात हो गई कि इसने सुन लिया एक बार में। अब कभी कभी ये होता है ना, ये थोड़ा है, मतलब हमने बोला कुछ है ये समझ नहीं पाया, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन का केस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूँगा एंड एक्सेप्शन एज ई, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो मतलब जब भी कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्ट, अगर हमने ट्राई किया वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन में जाता है एंड एक्सेप्शन में उसको एज ए ई ऐसा लिखा जाता है। और अगर हम यहाँ पे ई को अगर प्रिंट कर देंगे ऐसे करके, एक सेकंड इंडेंट के अंदर प्रिंट कर देंगे ई को, तो ये हमें बताएगा कि हमने क्या एरर, मतलब ये एरर क्या है पाइथन की ओर से, तो ये उस चीज़ को शो करेगा। बट आई डोंट थिंक हमें इसकी कोई ज़रूरत है, आपको करना हो तो कर लेना बट नहीं। सो स्पीक में हम डाल देते हैं, मतलब जब इसने नहीं सुना तब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये बोलेगा से दैट अगेन प्लीज। सो जब भी ये सुनेगा या सुन के अनसुना कर देगा या समझ नहीं पाएगा तभी बोलेगा से दैट अगेन प्लीज। ऑल्सो आप इसको थोड़ा पोलाइट रखना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा यहाँ पे लिख दो सॉरी से दैट अगेन प्लीज ऐसा, या आपके ऊपर है जो भी आपको स्पीक करवाना हो। तो ये बोलेगा एंड क्वेरी जो होगी हमारी, मतलब कि इसके पास कुछ नहीं गया तो वो हो जाएगी नन, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे किसको, सॉरी नीचे वाली लाइन से रिटर्न कर देंगे क्वेरी को, क्वेरी तो हमारी खाली हो गई एंड इसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा टेक कमांड फंक्शन एंड नीचे हमारा किंटर वाला पार्ट पड़ा है। तो इसके साथ क्या करना है वो मैं सोच रहा था नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, बट ठीक है चलो इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेटअप कर देता हूँ आपका कि होगा क्या। इसके लिए मैं क्लास बना देता हूँ विकेट, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम आ जाएंगे एंड यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा मैं जो कि होगा हमारा इनिट फंक्शन, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है इसलिए इसके अंदर सेल्फ पास होगा। अब ये जो पूरा किंटर है ना, ये पूरा किंटर का कोड जिसको मैंने बोला था आपको छेड़ना नहीं है, आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो नीचे तक, है ना। अब आपको टैब दबाना है एक बार, एक बार टैब दबाने से ये पूरा कोड क्लास के अंदर आ गया, एक बार और दबाएंगे तो ये फंक्शन के अंदर आ गया। तो अब ये कोड हमारा एक क्लास के एक फंक्शन के अंदर है एंड इसको हम उसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स की मदद से कॉल करेंगे। तो इस पार्ट को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पार्ट 3 को ख़त्म करना चाहूँगा एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे कि ये क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। ऑल थ्रू ये सीरीज़ काफ़ी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ मैं, अभी कल ही परसों ही वीडियो डाला था एंड जो है अब इसको मैं डालने के बाद अब कंटिन्यू करके ये सीरीज़ को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, सो डोंट वरी। ऑल्सो अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन कर सकते हैं आप, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ करें एंड जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 में।